हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन बात करेंगे फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल के चैप्टर 7 की, जिसका क्या नाम है, रिपोर्टिंग। सबसे पहले तो अपन ने आपको रिपोर्टिंग नाम से ही पता चल रहा है कि कब की जाएगी, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। जब ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी तभी तो रिपोर्टिंग की जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल के अपन ने क्या पढ़ी थी, स्टेप्स पढ़ी थी। उसमें कितनी स्टेप्स होती है, 3 स्टेप होती है। पहली कौन सी होती है, एग्जीक्यूशन, दूसरी प्लानिंग, और तीसरी कौन सी थी, रिपोर्टिंग। तो ये कौन सी स्टेज है, ये तीसरी स्टेज ही है रिपोर्टिंग, जिसकी अपन बात करेंगे। रिपोर्टिंग कब की जाएगी, ऑडिट खत्म होने के बाद की बात की जा रही है यहाँ पे, ये अपना चैप्टर 7 है। तो सबसे पहले तो अपन रिपोर्टिंग करते टाइम किस किस बातों पर ध्यान देंगे उसकी बात करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि जो सीएजी की पॉलिसी है और गाइडेंस है, अपन फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उस पर अपन रिपोर्ट दे रहे हैं, तो सीएजी की पॉलिसी और गाइडेंस को अपने को क्या करना है, ध्यान देना है, अपने को मतलब ऑडिटर को। दूसरी ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर और इंफॉर्मेटिव है या नहीं है, किसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसके लिए, यूजर्स के लिए, ठीक है। तीसरा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी किसकी होती है, हमेशा बात की अपन ने मैनेजमेंट की, तो ये जो इसका प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन है वो अकॉर्डिंग टू एफआरएफ है या नहीं है। एफआरएफ क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसकी बात अपन चैप्टर 1 जो पार्ट 1 था, अपने पार्ट 1 में जो डेफिनेशंस पढ़ी थी वहां बात कर चुके हैं। यहां मैं और बता देता हूं, एफआरएफ है क्या, कि जो मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बना रहा है तो उसके लिए जो एक फ्रेमवर्क यूज कर रहा है, वो उस फ्रेमवर्क को क्या कहेंगे अपन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, आया होगा समझ में। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टाइप्स की बात की गई है, तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो होगा जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक होगा कौन सा, स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो देखिए सबसे पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए है, लेंडर्स के लिए, और किसके लिए, और किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को किसी बैंक ने या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कोई लोन दे रखा है, ठीक है, तो वो देखेगा ना कि कहीं कंपनी लॉस में तो नहीं जा रही है, कहीं कंपनी बंद तो नहीं होने वाली, हमारा पैसा आएगा या नहीं आएगा, तो इसलिए क्या है, उनका अटेंशन रहता है जनरल पर्पज में। ऐसे इन्वेस्टर वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अच्छा है, उसमें कंपनी हर साल प्रॉफिट कर रही है, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट कर रही है, तो उसमें पैसा लगाना चाहेगा। तो ये जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए हो गया, क्या ये वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए हो गया क्या, तो यहाँ पे यही बात की गई है कि विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल फॉर वाइड रेंज यूजर्स के लिए, तो वो कौन सा होगा, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। स्पेशल पर्पज की क्या बात हुई, कि जैसे मान लीजिए आपको लोन लेना है, किसी कंपनी को लोन लेना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसको जो लोन एग्रीमेंट जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो उसके लिए क्या है, उसको पूरी डिटेल्स दिखाने की जरूरत नहीं है। वो क्या दिखाएगा कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो उसमें जैसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, तो तब लोन एग्रीमेंट, या फिर अपने को ग्रांट लेनी है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी ऑटोनोमस बॉडीज है वो ग्रांट लेती है, किससे, सरकार उनको ग्रांट देती है, तो उसके लिए वो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो उस तरह का स्टेटमेंट क्या होता है, स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, ये लिमिटेड यूजर्स के लिए काम आएगा, किसके लिए काम आएगा, लिमिटेड यूजर्स के लिए काम आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आपको लोन लेना है तो ये किसके लिए है, आपकी कंपनी के लिए और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए। आपको ग्रांट लेनी है तो किसके लिए, आपकी कंपनी के लिए और गवर्नमेंट के लिए, अगर आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन से और किसी इंस्टीट्यूशन, तो उन दोनों की यूजफुल हुआ ना, ये सबके लिए यूजफुल नहीं है, इनके लिए यूजफुल है कि इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स को कोई लेना देना नहीं है, लेंडर्स को कोई लेना देना नहीं है, इससे जिन्होंने पैसा दे रखा है पहले से उधार उनको कोई लेना देना नहीं, तो ये लिमिटेड यूजर्स के लिए। तो जो लिमिटेड यूजर्स के लिए वो तो क्या हो गया, स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो वाइड रेंज यूजर्स के लिए हो गया वो क्या हो गया, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अपन आगे क्या बात करेंगे, एफआरएफ की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एफआरएफ। अब देखिए अपन बात करेंगे एफआरएफ के टाइप्स की,
एफआरएफ क्या होता है? मैनेजमेंट जो यूज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए जो फ्रेमवर्क, वो क्या है? एफआरएफ। दो एफआरएफ की बात की गई है अपनी बुक में, एक तो कंप्लायंस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और एक क्या है, फेयर प्रेजेंटेशन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जिसको ट्रू एंड फेयर व्यू कहते हैं। तो देखिए कंप्लायंस में तो क्या होगा कि ओनली कंप्लायंस देखेंगे अपन, फ्रेमवर्क का क्या है, कंप्लायंस हुआ है या नहीं है। ओनली कंप्लायंस का क्या मतलब होता है? कंप्लायंस का मतलब है कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो हुए या नहीं हुए, लिखित में कोई रूल्स रेगुलेशन थे वो फॉलो हुए हैं या नहीं हुए, वो देखेंगे। ठीक है, जैसे अपन कंप्लायंस ऑडिट की बात करते हैं, कंप्लायंस ऑडिट मतलब ट्रांजेक्शन ऑडिट, जो अपने अकाउंट्स ऑडिट के बाद होती है ट्रांजेक्शन ऑडिट। चैप्टर वन में बात की थी जिसमें अपन ने कि उसमें रेगुलेटरी प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल कंट्रोल, इन तीनों का क्या है, इन तीनों को ध्यान जिस ऑडिट में रखते हैं वो क्या होती है, ट्रांजेक्शन ऑडिट या कंप्लायंस ऑडिट। तो उसी तरह कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है कि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या है, अपन उसको देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब इधर आ जाओ फेयर प्रेजेंटेशन, इसमें क्या है, इसमें कंप्लायंस फ्रेमवर्क आ जाएगा। कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब कंप्लायंस देखेंगे पहली बात तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क तो इसमें इंक्लूड हो गया। अगर अपन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो उसमें कंप्लायंस फ्रेमवर्क इंक्लूड हो गया। साथ के साथ उसमें अपन क्या देखेंगे, देखेंगे कि कोई चीज क्लियरली और कंप्लीटली, एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी मतलब क्लियरली और कंप्लीटली है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने को क्या करना है, ट्रू एंड फेयर व्यू लाना है, वो कैसा होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू एकदम क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। उसके लिए मैनेजमेंट को चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे उसको जो फ्रेमवर्क है उसके बियॉन्ड भी डिस्क्लोजर प्रोवाइड करवाना पड़े तो भी वो प्रोवाइड करवाएगा इसमें, किसमें, फेयर प्रेजेंटेशन में। क्यों? क्योंकि अपने को क्या चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू चाहिए। तो कंप्लायंस में क्या होगा, केवल कंप्लायंस होगा, और फेयर प्रेजेंटेशन में कंप्लायंस तो होगा ही, साथ के साथ ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए मैनेजमेंट को कुछ भी करना पड़े डिस्क्लोजर में, फ्रेमवर्क के बाहर भी जाके उसको करना पड़े, जो फ्रेमवर्क की जो बाउंड्रीज है उसके बाहर जाके भी उसको कोई एक्शन लेना पड़े तो वो लेगा। ठीक है, तो ये अपनी बात होगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के टाइप्स की। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब देखिए ऑडिट ओपिनियन की बात करेंगे, या फिर जिसको कहते हैं अपन ऑडिटर्स ओपिनियन। क्या है, ऑडिटर ने जो स्टेटमेंट दिया या उसने जो ओपिनियन दिया वो क्या होगा, ऑडिटर ओपिनियन या ऑडिट ओपिनियन होगा, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कही गई है। ठीक है, टाइप्स की बात कर लेंगे, दो टाइप के होते हैं, बात कर चुके हैं पहले भी, अनमोडिफाइड या अनक्वालिफाइड, और दूसरा क्या होता है, मॉडिफाइड। मॉडिफाइड तीन टाइप के होते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, इसकी बात आगे डिटेल में कर लेंगे। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि अगर अनमोडिफाइड ऑडिट ओपिनियन दिया गया है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ है तो वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है, अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हुआ है या फिर कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हुआ है। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हुआ है और ऑडिट ओपिनियन देना है तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, तो वो देखो कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, इसकी लैंग्वेज क्या होगी ऑडिट ओपिनियन की, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दे रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। फिर आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, या तो यह हो सकती है दूसरी, या फिर उसको दूसरी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट। ठीक है, इसकी बात आगे कर लेंगे अपन, ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट का क्या मतलब है, इसके आगे ऑल मटेरियल इन अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, इसके बाद भी ये लाइन आ जाएगी। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है फेयर प्रेजेंटेशन से, अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क से बन रहा है तो क्या आएगी, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट, फिर उसके बाद आएगा इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो ये क्या है, ऑडिट ओपिनियन की लैंग्वेज है, ऑडिट ओपिनियन वो लिखेगा तो अगर इसके अनुसार बन रहा है तो ऐसा, इन दोनों में से एक लिखेगा, इसके अनुसार बन रहा है तो ऐसे लिखेगा। ठीक है, चलिए चलिए अब बात करेंगे अपन ऑडिट सर्टिफिकेट की। तो ऑडिट सर्टिफिकेट क्या होता है, तो जो ऑडिट, ये एआर का मतलब ऑडिट रिपोर्ट, क्या है, ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट है ना वो किस फॉर्म में होती है, यहाँ पे एसी का मतलब अकाउंट नहीं है, यहाँ पे ऑडिट सर्टिफिकेट, किस फॉर्म में होती है, ऑडिट सर्टिफिकेट के फॉर्म में होती है। अब इसका फॉर्मेट देखेंगे अपन ऑडिट सर्टिफिकेट का। देखिए ऑडिट ओपिनियन दिया जाता है वो किसके फॉर्म में होता है, ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट किसके फॉर्म में होती है, ऑडिट सर्टिफिकेट। तो ये तीनों की बात करें तो अपन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट फॉर्मेट और
ऑडिट ओपिनियन, लगभग सेम सी चीजें हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें एक सूटेबल टाइटल दिया हुआ होगा, ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे टाइटल रहेगा, उससे क्या होगा उससे जो भी उसको पढ़ने वाले उसको पता चलेगा कि ऑडिट रिपोर्ट है या फिर और कुछ है। जैसे मान लीजिए और भी बहुत सारी चीजें पब्लिश होती है तो उसको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी टाइटल देने से। सिग्नेचर और डेट, ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा साइन होगा किसका, जो भी उसके लिए एलिजिबल है जनरली किसका होता है सीएजी का होता है, और उसके नीचे क्या होगी डेट लिखी होगी। इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि किस पीरियड तक, इस पीरियड तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया उसके बाद में किस पीरियड तक है ना जो ऑडिटर ने वो कर लिया है, ऑडिटर ने क्या कर लिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लिया है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पीरियड है जैसे मान लीजिए 31 अप्रैल है, उसके बाद में जैसे मान लीजिए 4 अप्रैल के मान लीजिए 4 मई है तो 4 मई के तक उसने ऑडिट किया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद भी जो इवेंट्स हुए हैं जिनको अपन कहते हैं इवेंट्स आफ्टर ऑकरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट, उनको भी चेक कर लिया है या नहीं कर लिया, इससे ये पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद भी कुछ इवेंट हुए उनको कहां तक चेक किया है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप होगा उसमें, कंप्लीटनेस तो हर चीज की रिक्वायरमेंट है, हर चीज क्या होनी चाहिए कंप्लीट होनी चाहिए, तो ऐसे ही क्या होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट भी कंप्लीट होनी चाहिए। एड्रेस ही, किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको एड्रेस करते हैं, कंपनी को करते हैं, कंपनी के अगर सीईओ होगा तो चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का नेम। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर में क्या रहेगा कि कौन सी तो एंटिटी का अपन ऑडिट कर रहे हैं और साथ के साथ कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीरियड अपन ने कवर किया है। जैसे मान लीजिए 2018-19 का किया है तो 2018-19, 19-20 का किया है तो 19-20। लीगल बेसिस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ है वो एज पर लेजिस्लेशन जो भी उस पर एक्ट एप्लीकेबल है उसके अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें फॉर्मेट दिया हुआ उसके अनुसार है या नहीं है। कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड, अपन इसमें यह भी बताएंगे कि अपन ने ऑडिट के दौरान जो भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है उनका कंप्लायंस किया है या नहीं किया है, और लास्ट में टाइमलाइननेस, ये जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने तो वो प्रॉम्प्टली यूजर्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए ताकि उनको जो भी नेसेसरी एक्शन लेने हैं वो ले सके। अगर इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए थोड़ा लेट है, कुछ हो सकता है कुछ फ्रॉड हो जाए, कुछ मिस अप्रोप्रिएशन मैनेजमेंट के द्वारा हो जाए, तो इसलिए कहते हैं ये क्या है प्रॉम्प्टली अवेलेबल होना चाहिए। इसके साथ के साथ जो ऑडिट ओपिनियन होता है या जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंशिएट होती है कि मैनेजमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रॉड एंड करप्शन मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब इसमें क्या होता है मेंशन होता है। दूसरा कि उसने जो ओपिनियन दिया है ऑडिटर ने उसका बेसिस क्या है, उसके लिए कुछ एविडेंस मिले होंगे उसको ऑडिट एविडेंस, तो उसके बेसिस की बात की गई है। और तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसने कौन सा ओपिनियन दिया गया है, ये सब चीजें भी उसमें क्या होती है शामिल होती है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए अपन इंट्रोडक्शन की बात कर ली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप्स की बात कर ली, एफआरएफ के टाइप्स की बात कर ली, ऑडिटर ओपिनियन की बात कर ली, ऑडिट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट की बात कर ली, अब अपन बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि जो ऑडिट ओपिनियन होता है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या है और ऑडिटर की क्या है, तो जो मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ही कई बार क्या कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कहते हैं डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपने देखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है डायरेक्टर जो स्टेटमेंट आता है उसमें स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब गवर्नमेंट कंपनीज की, ये तो अपन ने बात कर ली, जो भी कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनीज आती है उसकी बात कर ली, गवर्नमेंट कंपनीज भी कंपनीज एक्ट है, लेकिन इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी प्राइवेट कंपनी आ गई, गवर्नमेंट कंपनी अगर स्पेशली बात कर रहे हैं अपन, केवल जो गवर्नमेंट कंपनी हो, तो गवर्नमेंट कंपनी में मैनेजमेंट कौन होता है, या तो सेक्रेटरी होगा जो फुल्ली गवर्नमेंट है, या तो सेक्रेटरी होगा या फिर उसके इक्विवेलेंट ऑफिसर होगा। मैनेजमेंट कौन होगा, सेक्रेटरी होगा, अपन सेक्रेटरी को लेके चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो सीएजी के अंडर में है, ठीक है, और उसका जो अकाउंट्स, जो फाइनेंस और अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनते हैं उसकी जिम्मेदारी भी किसकी है, प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी सीएजी की है।
तो उस केस में इसका प्रिपरेशन कौन करता है सीएजी में, जो अकाउंटेंट जनरल होता है अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट, ठीक है, वो क्या करता है, वो तो प्रिपेयर करेगा ये फाइनेंशियल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो सीएजी के, जिसमें सीएजी की ड्यूटी है प्रिपरेशन करने की, और ऑडिट किसके द्वारा होगी, वही अकाउंटेंट जनरल किसके द्वारा, ऑडिट के द्वारा, प्रिपरेशन एजी एंडी, ऑडिट एजी, ऑडिट के द्वारा। इसी में दूसरा केस लेते हैं कि जिसमें जिम्मेदारी नहीं है प्रिपेयर करने की सीएजी की, उस केस में क्या होगा, जो फाइनेंशियल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स है वो प्रिपेयर कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा, मतलब सेक्रेटरी करेगा ऐसे मान सकते हो, और इसकी ऑडिट कौन करेगा, ऑडिट तो क्या कौन करेगा, जो अकाउंटेंट जनरल ऑडिट है वो ही करेगा। ये हो गई स्टेट गवर्नमेंट की बात। अब एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात की गई, चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा बता देता हूं, जब ऑडिटर को क्या लगता है कि वो अनेबल हो जाता है ऑब्टेन करने में, उसको मिल नहीं पाते कंपिटेंट रिलीवेंट और रीजनेबल ऑडिट एविडेंस, उसको मिल ही नहीं पा रहे, तो वो क्या करेगा उस केस में, वो क्या मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेता है। उस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, उसमें ऐसा लिखा होगा कि जो अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन और लॉस के अनुसार हुए हैं और करेक्टली प्रिपेयर हुए हैं, ऐसा मैनेजमेंट लिख के दे देगी, वहां पे साइन हो जाएंगे डायरेक्टर्स के या जो भी उस टाइम पे जो भी वहां का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा और उनकी स्टैंप लग जाएगी, तो ये हो जाएगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गई स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात। आगे बढ़ते हैं, अब फिर से अपन ऑडिट ओपिनियन की क्या है डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो देखिए ऑडिट ओपिनियन की जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, अनएम्बिग्यूस, मतलब क्लियर होनी चाहिए और जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो भी पढ़े रीडर उसमें इतने ज्यादा हार्ड वर्ड्स नहीं होने चाहिए कि उसके समझ में ही नहीं आए, उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग की होनी चाहिए। अब अपन इसमें पहले ऑडिट ओपिनियन की बात कर लेते हैं, अनमॉडिफाइड या अनक्वालिफाइड। तो इसमें क्या होगा कि ऑडिटर ने ऑब्टेन कर लिया है रीजनेबल अश्योरेंस दैट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं ट्रू एंड फेयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स विद एफआरएफ। देखिए आपको समझना है कि अगर ये तीनों बातें कहीं पे भी लिखी हुई आ जाती है, ये तीनों बातें कहीं पे भी लिखी हुई आ जाती है, उसका क्या मतलब है कि उसने कौन सा ओपिनियन दिया है ऑडिटर ने, उसने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया है या अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। अब ये इसका क्या मतलब हो गया कि ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट के अनुसार बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसमें चार बातें हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं उसमें जो भी लेजिस्लेशन है, जो भी रेगुलेशन है और जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उन सबको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, प्रॉपर डिस्क्लोजर है या नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो क्या है अप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसके अनुसार है या नहीं है, और ये मटेरियल इररेगुलेटरी से फ्री है या नहीं है। अगर ये चारों बातें हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट में एफआरएफ को फॉलो कर रहा है और इस कंडीशन में अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा। अब ये मटेरियल इररेगुलेटरी की क्या बात कही गई है, इसका मतलब वही है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें लेजिस्लेशन रेगुलेशन और अप्रूवल, जो भी डेलीगेशन अथॉरिटी का अप्रूवल है, जैसे 1,00,000 तक का अप्रूवल होता है, फिर 2 का होता है, 3 का होता है, तो वो जो भी डेलीगेशन ऑफ पावर है उसके अनुसार किया गया या नहीं किया गया, तो अगर ये सब है तो ये इस कंडीशन में भी क्या होगा, ये ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा और इस पे ऑडिटर अनमोडिफाइड या अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन देगा। आइए की बात समझ में, ये तीनों बातें जहां पे भी आ जाए उसका क्या मतलब है, ये ऑडिट ओपिनियन है, ठीक है। आगे बढ़े, अब एक क्वेश्चन की बात करेंगे अपन कि जो ऑडिट ओपिनियन है उसकी वर्डिंग कैसी होनी चाहिए। तो देखिए प्रेसाइज एंड ब्रीफ, इसका तो चलो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, ये तो होगा ही उसमें। इसमें दो बात ये है कि क्या उसमें रेफरेंसिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और वो हाईलाइटेड जो भी उसने ऑडिट ओपिनियन दिया है वो क्या हाईलाइट होना चाहिए क्या। तो देखिए इसमें रेफरेंसिंग की भी क्या है जरूरत नहीं होती है, तो रेफरेंसिंग भी क्या है इसमें नहीं होगी, विदाउट रेफरेंसिंग होगा, और हाईलाइट भी इसको क्या है
नहीं किया जाएगा, नॉट हाईलाइट। हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज अपन हाईलाइट करते हैं तो उसपे क्या है, अटेंशन ज्यादा जाता है। तो मान लीजिए अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया गया है, ठीक है, या फिर मोडिफाइड ओपिनियन दिया गया है, तो वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू को देते हैं, तो अगर हाईलाइट कर देंगे तो उसको जो यूजर्स को ऐसे लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसका ज्यादा अटेंशन जाएगा। इसके लिए क्या है, इसको हाईलाइट नहीं करते हैं ऑडिट ओपिनियन को, और रेफरेंसिंग तो इसलिए नहीं करते हैं ताकि पीछे जाके नहीं देखना पड़े, वहीं से अपने को सब क्या है उसका कंक्लूजन पता चलना चाहिए, इसलिए इसको रेफरेंसिंग में नहीं करते हैं। तो ऑडिट ओपिनियन की वर्डिंग में ये क्या है, चार करेक्टरिस्टिक होने चाहिए। अब एक इनहेरेंट अनसर्टेनिटी की बात की गई है, तो देखिए इनहेरेंट का क्या मतलब होता है, कि वो उसके अंदर ही छिपी हुई है। तो इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी लगाई गई है कंपनीज की द्वारा, सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ क्या रीजनेबल वर्ड ठीक है। तो देखिए इसको एक अपन इंग्लिश में एक वर्ड होता है कोलोकेशन। कोलोकेशन का क्या मतलब होता है कि किसी वर्ड के साथ एक फिक्स वर्ड ही फिट बैठता है, उसका मतलब होता है कोलोकेशन। तो यहां पे क्या होगा, उसी कोलोकेशन की बात को करते हुए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसके लिए तो वर्ड क्या आता है, अप्रोप्रिएट। अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ना कि रीजनेबल। और अगर कहीं पे भी रीजनेबल वर्ड आ रहा है तो वो अकाउंटिंग एस्टिमेट के रिगार्डिंग आता है। अकाउंटिंग एस्टिमेट कैसे होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे अपन डेप्रिसिएशन की जो मेथड लगा रहे हैं या फिक्स असेट का अपन वैल्यूएशन कर रहे हैं उसकी जो भी मेथड लगा रहे हैं वो अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जाम्पल है। अकाउंटिंग एस्टिमेट अपन पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए कोई चीज है जिसका अपन क्या है फिक्स उसका एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि ये इसका इतना ही होगा। जैसे मान ले कोई, अपन उसको नहीं कह सकते कि हाँ यार ये 10 साल तक ही चलेगी, लेकिन अपनों को वहां पे क्या है कोई फिक्स मेथड है ही नहीं, तो अपने को क्या है उसका क्या अजम्पशन करना पड़ता है। तो उसी को क्या कहेंगे, एस्टिमेट लगाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई, इसका एग्जांपल क्या है कि लाइफ की यूजफुल लाइफ है एसेट की, तो उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि 10 साल है, अब 10 साल नहीं हुई तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना एस्टिमेट लगाया गया हो उतनी हो, लेकिन उसके आसपास हो तब काम चल जाता है, तभी इसको क्या कहेंगे अपन, रीजनेबल कहेंगे। प्रोविजन किया है अपन ने डेटर्स का, डाउटफुल और बैड और डाउटफुल डेटर्स का अपन ने क्या है प्रोविजन किया है। तो अपन ने प्रोविजन क्या है कि अपने जैसे मान लीजिए पिछले साल 5% था, तो अपन ने इस साल भी क्या किया 5% किया, तो ये क्या हो गया, ये भी अप्रोप्रिएट रीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट का एक एग्जाम्पल हो गया। तीसरा कि डिस्क्लोजर जो अपन ने दिया है वो प्रॉपर दिया है या नहीं। तो ये सब क्या है, इनहेरेंट अनसर्टेनिटी है। कैसे है, देखिए इसमें क्या होता है कि ये मैनेजमेंट का क्या वर्किंग अजम्पशन है, क्या वर्किंग ही है, अजम्पशन ही है, ये अपन पहले ही कह रहे हैं इसमें तो एस्टिमेट है, उसमें भी अपने को क्या अजम्पशन ही लगाना पड़ेगा। ये क्या फाइनेंशियल स्टेट में रिफ्लेक्ट होते हैं, हाँ होते हैं। और ये क्या फ्यूचर इवेंट के कारण होगा, हाँ भाई मैंने कहा कि ये जो वैल्यूएशन है फिक्स असेट का, ये जो डेप्रिसिएशन मेथड मैंने लगाई कि 10% हर साल होगा, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दी, लेकिन है ना जो 5 साल के बाद है ना या 10 साल के बाद 10% लगाए तो 10 साल में वो खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। तो ये फ्यूचर इवेंट का क्या, फ्यूचर इवेंट का जो वर्किंग अजम्पशन है, फ्यूचर इवेंट के कारण जो फ्यूचर इवेंट हो रहा है उससे उसका अपन ने क्या है वर्किंग अजम्पशन लिया है। तो ये क्या इनहेरेंट अनसर्टेनिटी नहीं है क्या, उसमें अपने को निश्चितता है क्या कि डेप्रिसिएशन 10% लगाया तो वो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे ये जो अनसर्टेनिटी है इसका यही मतलब है कि इसमें क्या है अपन एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कह रहा है कि जो जब अप्रूवल हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उस टाइम पे है ना जो ये इम्पॉसिबल है मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट के लिए क्या है इम्पॉसिबल है इसको रिमूव करना जो इनहेरेंट अनसर्टेनिटी है। तो ऑडिटर का क्या काम होगा, ऑडिटर क्या करेगा, देखेगा कि सफिशियंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस या फिर अपन कंपिटेंट रिलीवेंट या रीजनेबल ऑडिट एविडेंस या कह सकते हैं कि रीजनेबल अश्योरेंस उसको मिला है या नहीं मिला है
जो मैनेजमेंट के व्यू को सपोर्ट करता है। अगर उसको सपोर्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं सपोर्ट कर रहा है तो फिर उसके हिसाब से वो क्या है ऑडिट ओपिनियन देगा। देखो इसको समझना, इनहेरेंट अनसर्टेनिटी में कुछ बड़ी बात नहीं है, ये अनसर्टेनिटी है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी और एस्टिमेट ये ऐसी चीजें हैं ना जिनको अपन क्या है फ्यूचर इवेंट्स में 10 साल बाद अपने को पता चलने वाला है, आज अपन पता लगा ही नहीं सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी हुई ना एक फिक्स परसेंटेज, जैसे मान लीजिए इसका इस एक मशीन है उसका डेप्रिसिएशन 10% लगाया, वो 10 साल में खत्म होनी थी, 5 साल में होगी तो अपन क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये अनसर्टेनिटी है, इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है, ये थोड़ा समझना। इसकी आगे बात करते हैं। अब देखो ये इनहेरेंट अनसर्टेनिटी की आगे बात करेंगे कि वो कह रहा है कि जो इनहेरेंट अनसर्टेनिटी है वो अगर ऑब्वियस है, अपेरेंट है, मतलब उसको पता चल रहा है साफ साफ, किसको? ऑडिटर को पता चल रहा है कि ये अनसर्टेनिटी है इसमें, तो इस टाइम पे ऑडिटर क्या करेगा, वो देखेगा कि क्या ये अनसर्टेनिटी फ्यूचर इवेंट्स के कारण है क्या, पहला तो ये चेक करेगा, फिर देखेगा कि मैनेजमेंट ने क्या किया है उसको रिजोल्व करने के लिए। मैनेजमेंट ने क्या सब कुछ कर लिया है उसको रिजोल्व करने के लिए उस अनसर्टेनिटी को, अगर ये दोनों कंडीशन है तो यहाँ पे क्या है ऑडिटर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैनेजमेंट ने पहले ही सब कुछ करके देख लिया है लेकिन फिर भी वो अनसर्टेनिटी दूर नहीं हो पा रही है और फ्यूचर ही यहाँ पे क्या हो जाता है जो स्कोप है ना वो क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, मतलब उसमें क्या है ऑडिटर भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसे कहेंगे अपन लिमिटेशन ऑफ ऑडिट स्कोप। ठीक है, इनहेरेंट अनसर्टेनिटी कैसे अपेरेंट है, मतलब साफ साफ दिख रही है, फिर भी क्या है लिमिटेशन ऑफ ऑडिट स्कोप, ऑडिटर कुछ नहीं कर पा रहा है। दूसरा कह रहा है कि जो इनहेरेंट अनसर्टेनिटी वो क्या फंडामेंटल है, फंडामेंटल का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए वो गोइंग कंसर्न को ही प्रभावित कर रही है कंपनी, कंपनी क्या है बंद होने वाली है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का क्या मतलब है कि कंपनी एक साल तक तो रनिंग में रहेगी, गोइंग कंसर्न का ये मतलब है कि अब एक साल, लेकिन अगर गोइंग कंसर्न प्रभावित हो रहा है मतलब एक साल के अंदर अंदर क्या है कंपनी बंद हो जाएगी। इस कंडीशन में ऑडिटर क्या एक्सेस करेगा, वो देखेगा कि जो अकाउंट एस्टिमेट लिए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या वो चेंज हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते कोई बात नहीं, उस अनसर्टेनिटी का क्या परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा और उस अनसर्टेनिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, ये तीनों चीजें वो क्या करेगा चेक कर लेगा। अब देखिए ये कह रहा है कि जो फंडामेंटल अनसर्टेनिटी वो कहां एग्जिस्ट होगी, कहां पे एग्जिस्ट होनी चाहिए वो, क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो सकता है, कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बंद हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है जनरली, तो ये कहां है कॉर्पोरेट सेक्टर में ये देखने को मिलती है, मतलब अगर बिजनेस ऑपरेशन सही नहीं चल पा रहे हैं तो बिजनेस क्या लॉस में, कंपनी लॉस में जा रही है तो कंपनी को बंद करना पड़ेगा, तो ये क्या है कॉर्पोरेट सेक्टर में एग्जिस्ट करती है फंडामेंटल अनसर्टेनिटी। अब फंडामेंटल अनसर्टेनिटी है मतलब उसका गोइंग कंसर्न इफेक्ट है, तो उसने क्या किया कंपनी ने अपने डिस्क्लोजर में लिख के दे दिया, उन्होंने प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया, इसको एडिक्वेट भी कह सकते हैं कि कंपनी बंद होने वाली है या कंपनी का गोइंग कंसर्न इश्यू इफेक्ट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा ऑडिटर या फिर अकाउंटेंट जनरल की क्या ड्यूटी है कि वो एक तो रीडर जो भी उसके यूजर्स हैं, जो भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने वाले हैं उसमें क्या है कि एक एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ डालेगा कहां पे जो अपना ऑडिटर ओपिनियन देगा उसमें, ताकि उनको ध्यान रहे कि ये कंपनी बंद होने वाली है, फिर ये कौन सा ओपिनियन देगा। तो देखो आपको जान के सरप्राइज होगा कि ये यहाँ पे क्या है अनक्वालिफाइड या अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा। अब आप कहोगे कि कैसे क्यों देगा भाई यहाँ पे जब कंपनी बंद होने वाली है तो ऑडिटर अनक्वालिफाइड ओपिनियन कैसे दे सकता है, तो समझो इसमें क्या है कि कंपनी अगर कंपनी ने है ना जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सब कुछ सही से ही बताया है तो हमेशा ऑडिटर क्या है अनक्वालिफाइड ओपिनियन देगा चाहे कंपनी बंद होने वाली हो। अगर वो छिपाता तो फिर एडवर्स ओपिनियन देता, तो ऑडिटर क्या देता एडवर्स ओपिनियन देता कि फाइनेंशियल उसने छिपा लिया कि मेरी कंपनी बंद होने वाली नहीं है लेकिन एग्जैक्टली कंपनी बंद होने वाली है, तो वो क्या कहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही व्यू दे ही नहीं रहे हैं, रीडर्स को पता ही नहीं है कि कंपनी बंद होने वाली है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर कंपनी ने सब कुछ सही से किया है तो हमेशा ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देगा
अनक्वालिफाइड या अनमोडिफाइड ऑडिट ओपिनियन देगा। आई बात समझ में, ये अनसर्टेनिटी की बात। अब अपन क्या है, दूसरा जो ओपिनियन था अपने अनक्वालिफाइड अनमोडिफाइड के साथ मोडिफाइड ओपिनियन, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जो अपन करेंगे दूसरे ओपिनियन की बात, अनक्वालिफाइड अनमोडिफाइड की होगी, मोडिफाइड ओपिनियन की बात करेंगे। तो इसमें देखिए पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, दिया हुआ है आपकी बुक में, गिव ऑल एक्सेस वोट्स इन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऑल एक्सेस वोट्स है तो ऑडिट ओपिनियन कौन सा देगा ऑडिटर। तो इसके लिए अपने को पहले तो समझना पड़ेगा कि ऑल एक्सेस वोट्स का क्या मतलब है। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने क्या है एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर दिया जितना ऑथोराइज हुआ था उससे ज्यादा एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, या फिर अपन इसको कह सकते हैं एक पर्टिकुलर ईयर नहीं बोल के अपन कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि इतने पैसे खर्च करने हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ने क्या किया उससे ज्यादा खर्च कर दिया, तो उसको ऑल एक्सेस वोट कहेंगे। जैसे मान लीजिए 100 चेयर खरीदनी थी और गवर्नमेंट ने आपको फंड भेजा था 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए आपको खर्च करना है, आपने कर दिए 51,000, 52,000, 60,000, 1,00,000, तो पर्टिकुलर पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने भेजा कितना था 50,000 रुपए, आपने उससे ज्यादा खर्च कर दिए, तो इसका मतलब हो गया ऑल एक्सेस वोट्स, ठीक है। इस कंडीशन में है ना जो ऑडिट ओपिनियन कैसा होगा, मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन होगा। कैसा ऑडिट ओपिनियन होगा, मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन दिया जाएगा। अब देखिए एक छोटी सी बात और कर लेंगे अपन, छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा कि कोई एरर है, जैसे जिसको अपन मैटरलिटी की बात की थी ना, तीन तरह की होती है, बाय वैल्यू, बोलिए दूसरा कौन सा होता है, भूल गए, भूलना नहीं है, बाय नेचर, तीसरी कौन सी, बाय कॉन्टेस्ट, ये तीन तरह की मैटरलिटी होती है। तो यहां पर अपन इसकी बात नहीं कर रहे, अपन बात कर चुके हैं कि एक एरर होती है एक एक्सेप्टेबल और एक अनएक्सेप्टेबल, एक क्या हो रही है एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, तो इसमें कौन सी तो मटेरियल होती है और कौन सी इमटेरियल होती है। इमटेरियल हुई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मटेरियल हुई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट आएगा। तो देखो एक्सेप्टेबल मतलब क्या है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, मतलब ये इमटेरियल होगी। तो अगर एक्सेप्टेबल की बात करें तो वो कैसी होगी, इमटेरियल होगी, तो इसका क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अनएक्सेप्टेबल मतलब इसको एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता है कि लेवल से क्या है ज्यादा है, तो इसको ये कौन सी होगी, मटेरियल होगी, और इसका क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो एक्सेप्टेबल एरर है क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करेगी क्या, तो अपन कहेंगे नहीं करेगी, जबकि उसका उल्टा होगा। अब मॉडिफाइड ओपिनियन में है ना जो दो बातें करेंगे अपन, कि एक तो क्या हुआ कि ऑडिटर ने क्या किया कि वो डिसएग्री हो गया किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, किस चीज में, जो उसने अकाउंट में डीलिंग की थी, जो उसने अकाउंट्स में डीलिंग की थी, जो अकाउंट्स में उसने मेथड्स यूज किए उससे वो क्या हो गया, डिसएग्री हो गया। तो इसका कारण होगा कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट का। तो इसमें कहा गया है कि जो फिगर्स है अकाउंट्स में वो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है उसके अनुसार नहीं है, मतलब इसका मतलब यही होगी रीजनेबल अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, यही मतलब हुआ कि डेप्रिसिएशन लगाना था स्ट्रेट लाइन और लगा दिया उसने और कोई मेथड। दूसरा वो क्या है, मैनेजमेंट ने लेजिस्लेशन को फॉलो नहीं किया, जो भी उसके जिस भी एक्ट से वो चल रहा था, जो भी उस पर रूल्स रेगुलेशन लग रहे थे उसको उसने फॉलो नहीं किया है। तीसरा जो फैक्ट और अमाउंट है जो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर उससे डिसएग्री हो गया, या फिर जो उसने डिस्क्लोजर दिया वो एडिक्वेट या प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिया। तो इन चार कंडीशन में क्या हुआ कि ऑडिटर क्या हो गया, डिसएग्री हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो दो ओपिनियन दे सकता है, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या फिर एडवर्स ओपिनियन देगा। अब ये दोनों ओपिनियन कब देगा वो अपन आगे बात करेंगे, लेकिन अगर ये कंडीशन आ गई तो इन दोनों में से एक ओपिनियन वो देगा, जबकि ये दूसरा वो ऐसे कह रहा है कि वो कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाया, ऑडिटर कंक्लूजन पे ही नहीं पहुंच पाया। अब क्यों नहीं पहुंच पाया ऑडिटर कंक्लूजन के, इसका भी कारण होगा।
तो कह रहा है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही अवेलेबल नहीं थे, कि जैसे मैं जिस ब्रांच की ऑडिट करने गया तो उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या है, जल गए थे, तो उन्होंने मुझे लाके दे दिए जले हुए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वो आधे जले हुए थे, अब मैं उनमें क्या चेक करूं। तो क्या ऑडिटर कंक्लूजन पे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो इस कंडीशन में वो क्या करता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है, उसमें वो क्या लिखेगा कि मैं कंक्लूजन पे ही नहीं पहुंच पाया, क्यों, क्योंकि मुझे प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं हुए, तो उस टाइम पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। अब इसमें बात करेंगे अपन कि ये कब तो क्वालिफाइड देगा और कब एडवर्ड देगा, मॉडिफाइड में कब तो क्वालिफाइड देगा और कब एडवर्ड देगा, इसकी डिटेल में बात करते हैं। अब मॉडिफाइड ओपिनियन में एक तो अपन ने बात कर ली थी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के, इसमें दो थे क्वालिफाइड एंड एडवर्स। देखिए नाम ही है, क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर क्या कहेगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू तो दे रहे हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट डालेगा क्या कि इस अनसर्टेनिटी को छोड़ के मैं कह रहा हूं कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, इस चीज को मैं हटा रहा हूं, इस चीज को मैं शामिल नहीं कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए वो कहेगा कि जो वेरिफिकेशन है, फिजिकल वेरिफिकेशन है, वो नहीं कर पाया मैं इन्वेंट्रीज का, या फिर कुछ इनरेगुलर एक्सपेंडिचर है उनके बारे में मैं नहीं बता सकता अभी, तो इस कंडीशन में वो क्या है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, इनको हटा के इसको छोड़ दिया तो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। दूसरा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें इसको हटा दिया तो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, तो ये क्या है यूजर्स के लिए क्या है फेयर व्यू देंगे, तो इसको अपन क्या कहेंगे ऑडिटर इसमें क्या कहेगा क्वालिफाइड दे देगा ओपिनियन, और जब एडवर्स ओपिनियन देगा मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं, मिसलीड कर रहा है यूजर्स को, तो इस टाइम पे वो एडवर्स ओपिनियन दे देगा। देखिए जब भी ये मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन इशू करता है ऑडिटर, तो ये एंटिटी के साथ डिस्कशन करता है और उसको अपॉर्चुनिटीज देता है कि वो मैं करेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर वो नेसेसरी करेक्शन करके उसका अप्रूवल लेके और फिर ऑडिटर के सामने वो रखता है, तो फिर बाद में वो मॉडिफाइड की जगह अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी दे सकता है, इसके लिए वो क्या है उसको पूरी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। एक इसमें बात कही गई है कि अगर मान लीजिए फंडामेंटल अनसर्टेनिटी है और फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है, तो इसको ऐसे कैसे याद करना है कि अगर अकाउंटेंट जनरल ने ऑडिट सर्टिफिकेट में कहा है कि फंडामेंटल अनसर्टेनिटी है तो वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा, और अगर उसने कहा है कि फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट हुआ है उसके साथ तो वो एडवर्स ऑडिट ओपिनियन देगा। उल्टा हो गया क्या, फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट तो एडवर्स देगा और अनसर्टेनिटी है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा, सही है, ऐसे कैसे याद करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि जो ऑडिट सर्टिफिकेट की वर्डिंग है, जो ऑडिट सर्टिफिकेट की अपन वर्डिंग है, कौन बनाता है ऑडिट सर्टिफिकेट, अपन बनाते हैं जो ऑडिटर होता है वो, उसकी वर्डिंग है ना वो किसका ज्यूरिडिक्शन है, वो किसका मैटर है, सीएजी का मैटर है या फिर मैनेजमेंट का मैटर है। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। अब देखिए मैं ऐसे कह रहा हूं कि जो ऑडिट सर्टिफिकेट है उसकी वर्डिंग किसका मैटर है, तो बना कौन रहा है, सीएजी बना रहा है, तो उसमें मैनेजमेंट का कोई इंटरव्यू नहीं होता है, तो ये किसकी किसका मैटर होता है, सीएजी का मैटर होता है ना कि मैनेजमेंट का। ऑडिट सर्टिफिकेट की वर्डिंग लैंग्वेज आप कुछ भी कह सकते हो, फॉर्मेट। एक बात की गई कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट फ्रॉम प्रीसीडिंग ईयर, तो जैसे मान लीजिए 2018-19 कोई प्रीसीडिंग ईयर है, तो इस टाइम पे ऑडिटर ने क्या किया मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन दिया था, क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट था उसमें जो मटेरियल था, और किसी लोग के द्वारा या किसी गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट मटेरियल है, और इसके कारण ऑडिट ओपिनियन देना पड़ा था, कौन सा मॉडिफाइड। और अगर करंट पीरियड में भी यही कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट आ रहा है तो लिमिटेशन ऑफ स्कोप के कारण क्या है मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा ऑडिटर को, किसमें, करंट पीरियड में, तो ये बात होगी कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट फ्रॉम प्रीवियस पीरियड। शाइनिंग एंड डेट, देखो साइन, अगर ऑडिट सर्टिफिकेट की बात करेंगे ना, तो जिस दिन सीएजी ने उसको साइन किया और नीचे डेट डाली, तो उस तक क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि इस पीरियड तक के है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अपन ने पहले बात की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीरियड है, उसके बाद भी उसका जो जो इवेंट्स है आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, ठीक है, उसको भी चेक कर लिया क्या, उससे ये पता चलता है। तो साइन और डेट क्या है, ऑडिट सर्टिफिकेट में जो साइन कर रहा है सीएजी या उसके डेलीगेट्स, उसकी साइन और डेट। ठीक है, एक इसमें ये बात कही गई है
कि ऑडिटर है ना, जब तक ऑडिट ओपिनियन नहीं देता, जब तक कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट के द्वारा साइंड नहीं मिलते, मतलब वो अनसाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कभी भी ऑडिट ओपिनियन नहीं देता। और सर्टिफिकेट डेट क्या होगी, जिस दिन सीएजी और इसके डेलीगेट्स ने रिपोर्ट को साइन किया है, ऑडिट सर्टिफिकेट को साइन किया है। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये कहाँ प्लेस होगा, तो देखिए आप देखेंगे कि अपने आपके ऑफिस में अगर आपने देखा होगा तो एक एनुअल प्रिंटेड रिपोर्ट आती है एपीआर, ठीक है, हर साल आती है कंपनीज से, तो उसमें अपन जो उसको सर्टिफिकेट देते हैं तो वो प्लेस करते हैं। तो वो कहाँ पे करते हैं, वो करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तो पहले, और स्टेटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसको अपन डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी या स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में। मतलब पहले तो कहां आएगा ये डायरेक्टर, मतलब इसको ऐसे कहते हैं कि बिटवीन डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों के क्या है, बिटवीन में अपन इसको रख सकते हैं, अपन इसको ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात अपनी। अब अपन लास्ट टॉपिक की तरह चल रहे हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट लेटर। क्या होता है मैनेजमेंट, अब देखिए मैनेजमेंट लेटर की बात करेंगे तो आपको पता होगा मैनेजमेंट लेटर कौन इश्यू करता है, ऑडिटर इश्यू करता है किसको, टॉप मैनेजमेंट को, ठीक है। उसमें क्या होगी, ऑडिटर की रिकमेंडेशन होती है। और कब इश्यू करता है, आपने देखा होगा जब फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट जिसको अपन अकाउंट्स ऑडिट भी कहते हैं वो खत्म हो जाती है, तो उसके बाद है ना, जो अपन जैसे किसी का अपने को ऑडिट नहीं करना है तो अपन नॉन रिव्यू सर्टिफिकेट भी इश्यू करते हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं कि जब कंक्लूजन हो जाएगा फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट का एक साल का, तो उसके बाद अपन ये सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। इसमें क्या रिकमेंडेशन रहेगी कि जो कंपनी है उसके फाइनेंशियल कंट्रोल्स के इम्प्रूवमेंट्स के लिए अपन उसको भेजेंगे, ऑडिट फाइंडिंग्स कुछ अपने को मिली, जो ऑडिट सर्टिफिकेट में अपने इंक्लूड नहीं किए, ऑडिट सर्टिफिकेट में इंक्लूड कर लिए उनको नहीं भेजेंगे, उसके अलावा जो ऑडिट फाइंडिंग्स है वो भेजेंगे अपन उसको, और जो भी प्रॉब्लम्स आई और उनके रिजल्ट हुए, ठीक है, ऑडिट के दौरान उसको फोकस हुआ कुछ चीजों पे जिनमें प्रॉब्लम्स आई और उनका रिजल्ट, वो अपन उसको क्या है, रिकमेंडेशन में भेजेंगे, ठीक है। एक बात इसमें ये कही गई कि मैनेजमेंट लेटर है ना, जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है उससे अलग है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग है, वो इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कि मैनेजमेंट लेटर इश्यू कर दिया तो अपन ने आईआर इश्यू नहीं करेंगे, आईआर तो इश्यू करना ही है। एक बात ये कही गई कि जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए अपन ने मैनेजमेंट लेटर में वो क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, और जो उसमें रिकमेंडेशन और सजेशन दे रही है वो कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए ताकि वो अप्लाई कर सके, ऐसे नहीं कि कुछ भी हवाबाजी कर रहे हैं। अब अपन अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब अपन अपने लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं इस चैप्टर के, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है ऑडिटर और क्लाइंट के बीच, ऑडिटर और क्लाइंट के बीच, ऑडिटर और कंपनी के बीच, ऑडिटर और कंपनी के बीच, वो कैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, हमेशा याद रखना। जब तक हमें जो कंपनी नहीं चाहे, क्लाइंट नहीं चाहे, उसके परमिशन के बिना ऑडिटर शुड नॉट रिवील एनी कंटेंट, वो उसको ओपन नहीं कर सकता, उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, जबकि लॉ के द्वारा फोर्स, अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाए कि भाई हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो क्या है, ये सब कॉन्फिडेंशियल होता है। लास्ट बात आ गई सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो सीएजी है ना, जो ऑडिट रिपोर्ट को अगर यूनियन गवर्नमेंट के केस में है तो कहां सबमिट करेगा, प्रेसिडेंट को, स्टेट गवर्नमेंट के केस में कहां सबमिट करेगा, गवर्नर को। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले कौन से वीडियो में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ सीएजी जिसमें आर्टिकल 148 से 151 था और डीपीसी एक्ट 1971, ठीक है। चलिए तो ये आज अपना कौन सा चैप्टर खत्म हो गया, आज अपना सातवां चैप्टर खत्म हो चुका है। अब अपन आगे आठवें चैप्टर की बात करेंगे। देखो मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है इसमें, ठीक है, हर एक बात को इजली वे में समझाने की कोशिश की है। एक बार आप इसके नोट्स बनाइए, पढ़िए, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।